नमस्कार, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र से संबंधित 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं आने वाले सेट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ ही एनटीएससी एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक में पूछा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर दें तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाता है। तो हमारे पास तीनों भुजाएं क्या हैं, 8 सेंटीमीटर है एक पहली, दूसरी है 11 सेंटीमीटर, तीसरी है 13 सेंटीमीटर। इनको जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 8 और 11 19, 19 और 13 हमारे पास कितना हो गया 32। तो 32 बटे 2, तो 32 को 2 से काटेंगे कितने 16 पे कट गया। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, हमने इस क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। हमने त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो, इनके साथ एक क्वांटिटी जो तीनों में जो कॉमन है वो हम एक्स मान लेते हैं, तीनों अनुपात के साथ एक्स की गुणा कर देते हैं। तो पहली भुजा मानते हैं कि ए है, तो वो हमारे पास 3 के साथ एक्स की गुणा करेंगे, 3x आ गया। मान लेते हैं कि पहली भुजा ए बराबर 3x है। बी हम दूसरी मानते हैं तो 5 है, तो 5x ले लेते हैं। और तीसरी हमारे पास सी, उसको हम क्या मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। अब इन तीनों भुजाओं का जो योग वही क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, जो कितना दे रखा है 300 मीटर। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है 300 मीटर। अब इसको हल करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x, 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x, 8x प्लस 7x कितना हो गया 15x। तो 15x बराबर कितना आ गया 300। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 300 बटे 15, 300 को 15 से काटेंगे तो कितना कट गया 20 पे। तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब x का मान a के अंदर रखेंगे तो पहली भुजा आ जाएगी, b के अंदर रखेंगे दूसरी आ जाएगी और c के अंदर रखेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो हमारे पास a, ये कितना है 3x, तो 3 ये हमारे पास 20 है, तो x का मान 20 है, तो x की जगह 20 रख दीजिए तो कितना आ गया 60 मीटर। अब हम b निकाल लेते हैं, b बराबर हमने माना है 5x, तो 5 को 20 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 100 मीटर। अब हम तीसरी भुजा हमारे पास C है जो 7x है, तो 7 को हम 20 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 140 मीटर। तो इस प्रकार पहली भुजा 60 मीटर, दूसरी 100 मीटर और तीसरी 140 मीटर आई है। तो ऑप्शन ए में है 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है। तो हमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप से सबसे पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो अगर मान लो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो परिमाप किसके बराबर होगा, ए प्लस ए प्लस ए, यानी तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर दे रखा है 60 मीटर के बराबर। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3a
बराबर आ गया हमारे पास 60, तो a का मान हमें मिलेगा 60 बटे 3 करने से, तो 60 को 3 से कैंसिल करें तो किस पे कट गया 20 पे, तो a बराबर हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा यहाँ हम a लेते हैं तो a का वर्ग। ये आपने याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा हमें a बराबर कितना दे रखा है 20, तो यहाँ रख देते हैं वर्गमूल 3/4 गुणा में 20 का वर्ग यानी 20 गुणा में 20, तो ये 20 है वो 4 से काटेंगे तो किस पे कट गया 5 पे, तो 5 की 20 से गुणा करेंगे कितना आ गया 100 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 2/3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, अगर भुजा ए है तो। ये हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पर ए का मान कितना है 2/3 दे रखा है, तो वर्गमूल 3/4 ए की जगह हम रख देते हैं 2/3, तो 2/3 का वर्ग। तो इसको हल करते हैं वर्गमूल 3/4 गुणा में, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 गुणा में वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3, तो 4 से 4 कट गया और ये आ गया हमारे पास 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन पहले में वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, दूसरे में वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और तीसरे में 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और चौथे में हमारे पास दिया है 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए जो क्षेत्रफल दिया गया है इसका हम प्रयोग करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो ये है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, यानी अगर भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 ए स्क्वेयर होता है। अब ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 16/3 दिया है, 16/3, तो इसको हल करते हैं ए स्क्वेयर बराबर 16/3 ये जब दूसरी साइड में जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और वर्गमूल 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो वर्गमूल 3 डिवाइड में आ गया और 4 जो है वो मल्टीप्लाई में चला गया। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया और 16 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया 64। हमें तो ए का मान चाहिए, ए स्क्वायर बराबर 64 है, तो ए बराबर क्या आएगा वर्गमूल 64, तो ये हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो समबाहु त्रिभुज की भुजाई है वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। हमें चाहिए परिमाप, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हमें 8+8+8 करेंगे तो हमारे पास 8 और 8 16 और 8 कितना आ गया 24। तो इस प्रकार जो परिमाप है वो कितना आया है 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें अब एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें आधार जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है और जो बराबर भुजाएं हैं वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एस का मान निकालना होता है। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो होता है। तो ए हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए बराबर 2 है, और बी और सी यानी समान दो भुजाएं हैं वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के। तो 4 प्लस 4 बटे में 2 हो गया। तो 4 और 4 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 10 बटे 2 हो गया। तो ये हम 2 से काटेंगे तो 5 पे कट गया। तो इस प्रकार एस का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का वर्गमूल होता है। तो हमने एस का मान निकाल लिया है, वो कितना आया हमारे पास, 5 आया है, और 5 माइनस ए, तो ए हमारे पास 2 है, तो 5 में से हम 2 घटा देते हैं। और एस माइनस एस का मान हमारे पास कितना है, 5, तो 5 माइनस बी, बी का मान हमारे पास 4 है, तो 5 माइनस 4 हो गया। और सी का मान भी क्या है, 4 है, तो 5 माइनस 4 हो गया। तो इसको हल करते हैं, तो 5 गुना में 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ गया, और 5 माइनस 4 करेंगे तो ये भी 1 आ गया। तो 5 गुना में 3 कितना हो गया, 15, गुना में 1 15, गुना में 1 15, तो ये आ गया वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन में वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाइयों के हैं। ये हमें लंबाइयां दी गई हैं, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय है, यानी हमने जो इस बोर्ड जो त्रिभुजाकार बोर्ड है उस पर पेंट कराने का कुल व्यय हमें ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए का मान 6 सेंटीमीटर है, बी का मान 8 सेंटीमीटर है और सी का मान 10 सेंटीमीटर है। तो इससे हम एस का मान ज्ञात करते हैं। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, तो ए की जगह 6 सेंटीमीटर है, बी का मान जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और सी का मान 10 सेंटीमीटर है, तो बटे में हम 2 कर देते हैं, तो ये एस का मान आ जाता है। 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 प्लस 10 24, 24 बटे 2 तो हमें मिल गया 12। तो इस प्रकार एस का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आप त्रिभुजाकार बोर्ड का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र होता है वर्गमूल एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस का मान हमने निकाला है 12, तो 12 फिर होता है एस माइनस ए, तो 12 माइनस 6 क्योंकि ए का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 12 माइनस 6 फिर एस का मान 12 है और बी का मान 8 है, तो 12 माइनस 8 एस का मान 12 है तो 12 यानी एस माइनस सी, तो सी का मान 10 है तो 12 माइनस 10। अब हम इसको हल करते हैं, वर्गमूल वर्गमूल 12 गुणा में 12 माइनस 6 कितना हो जाए, 6, 12 में से 8 घटाएंगे कितना है, 4, और 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना है, 2। 12 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा में 6 और गुणा में 6 पड़ा है पहले, और ये 4 और गुणा में 2, हमने 12 को 2 गुणा में 6 के रूप में तोड़ लिया। तो अब हम इसमें जोड़े बनाएंगे, एक 6 का बन गया, एक 2 का बन गया। तो देखिए, तो वर्गमूल के बाहर इन दोनों में से दोनों 6 में से एक 6 बाहर आ गया, 2 गुणा में 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार ये कितना आ गया, 6 दुनी 12 दुना 24, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है,
अब हमने इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय, तो जितना क्षेत्रफल आया है उसको हम 9 पैसे से गुणा कर देते हैं, तो 24 × 9, तो 24 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 36, 9 × 18 और 3 = 21, ये आ गया हमारे पास 216 पैसे आ गए। तो हमें जो उत्तर दिया है वो रुपीज़ में दिया है, तो रुपए बनाने के लिए इसके बटे में 100 कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2.16, यानी 2 रुपए 16 पैसे। तो ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही है। तो इस त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे अगर दिए गए हैं और इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का जो व्यय है वो हमें ₹2.16 मिला है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण दे रखा है, तो हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुणा में लंब होता है। तो हमारे पास लंब यहाँ मालूम नहीं है, पाइथागोरस गुण का प्रयोग करके हम आधार और कर्ण की सहायता से हम समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस गुण होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो इस गुण का हम प्रयोग करके लंब ज्ञात करते हैं। तो आधार हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग प्लस लंब हमें ज्ञात करना है, और कर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 का वर्ग, तो 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस लंब का वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना आ गया 100। हमें चाहिए लंब का वर्ग, तो बराबर 164 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का। तो लंब का वर्ग बराबर आ गया 100 में से 64 को घटाएंगे कितना आ गया 36। हमें चाहिए लंब, तो लंब बराबर हो गया, ये हमारे पास वर्गमूल 36 आ गया, इधर लंब हो गया, तो लंब बराबर कितना हो गया वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 कितना होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का लंब जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये आपको मालूम है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब, या आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई भी होता है, तो ऊंचाई यहाँ पर लंब है, तो 1/2 गुणा में आधार, आधार हमारे पास कितना दे रखा है 8, और लंब हमने ज्ञात किया 6, तो 8 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, 4 पे कैंसिल हो गया, 6 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया 24, तो इकाई सेंटीमीटर है, तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इकाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन ए में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आइए अब आगे वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो यातायात संकेत बोर्ड है वो त्रिभुजाकार है, वो त्रिभुजाकार कौन सा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और जिसकी भुजा कितनी दे रखी है ए दे रखी है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बुक के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ पर हमने इसको हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हमने इसको ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ हम MCQs कर रहे हैं, तो इसलिए हम समबाहु त्रिभुज का सीधा सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, तो भुजा यहाँ पर क्या है ए दे रखी है, तो ए का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार ये जो यातायात संकेत बोर्ड है इसका क्षेत्रफल आ गया वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर।
तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। हमने चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, डीए बराबर 5 सेंटीमीटर और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं। तो इससे इन भुजाओं का प्रयोग करके हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज एबीसीडी का रफ आकृति बना लेते हैं। ये हमारे पास ए है, बी सी डी है। तो ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, डी ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक जो चतुर्भुज ए बी सी डी है इसकी 2 त्रिभुजें बन गई है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी में हम देख रहे हैं इसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5 हैं। तो हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 कितना होगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 आधार, आधार ए बी है और लंब हमारे पास क्या है, बी सी है। तो यह 1/2, आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 को 2 से काटेंगे 2, तो यह आगे 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो हीरोन के सूत्र को प्रयोग करके जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसमें एस जो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो हमारे पास ए है 4 सेंटीमीटर और बी हम 5 सेंटीमीटर और सी भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो इसके डिवाइड में 2, तो 4 + 5 = 9 + 5 कितना हो गया, 14। तो 14/2, तो 14 को 2 से काटेंगे तो 7 पे कट गया, तो एस का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके कर रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र होता है वर्गमूल एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस का मान क्या है, 7, और एस माइनस ए, ए का मान हमने 4 लिया तो -4, फिर एस माइनस बी यानी एस का मान 7 और बी का मान 5 है, तो 7 - 5, फिर एस माइनस सी, तो एस का मान 7 और सी का मान हमारे पास है 5 है। तब इसको सॉल्व करते हैं, वर्गमूल 7, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ गया। तो ये हमारे पास जोड़ा सिर्फ इसका बना है 2, तो 2 × 2 वर्गमूल से बाहर कितना आ गया, 2, और 7 × 3 कितना आ गया, 21, तो वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए था। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बराबर आ गया 6 + ए सी डी का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है वो कितना है, 2√21 है, तो +2√21 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो हमें मिला 6 + 2√21। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। धन्यवाद।